इंदिरा कॉलोनी के आनंद विहार कॉलोनी में एक ट्रैक्टर चालक ने लापरवाह पूर्वक ट्रैक्टर चलाकर क्षेत्र के विद्युत खंभे को टक्कर मार दी। खंभा गिरने के कारण घरों के बाहर लगे विद्युत मीटर भी टूट गए। गनीमत रही कि लॉकडाउन होने के कारण लोग घरों के बाहर नहीं थे, अन्यथा करंट प्रवाहित होने से बड़ा हादसा हो सकता था। राज्य भर में लॉकडाउन की वजह से सड़कें सूनी हैं और ऐसे में कई वाहन चालक बेफिक्री से शहर की गली मोहल्लों में तेज गति से वाहन चलाकर हादसे कर रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा रविवार की शाम इंदिरा कॉलोनी में आनंद विहार आवासीय कॉलोनी के सामने वाली गली में हुआ। चारे से ओवरलोडेड ट्रैक्टर चालक ने एक खंभे को टक्कर मार दी। RJ19RB4719 नंबर के ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से खंभे को टक्कर मार दी, जिससे आसपास के आधा दर्जन घरों के मीटर के साथ साथ कई विद्युत उपकरणों को भी नुकसान पहुँचा। स्थानीय निवासी अर्जुन सिंह जुगतावत के मुताबिक ओवरलोड ट्रैक्टर ने खंभे को टक्कर मार कर उसे तोड़ दिया और खंभा सड़क पर गिर गया। यह तो लॉकडाउन के चलते लोग और बच्चे सड़कों पर नहीं थे, वरना यहाँ बड़ी जनहानि हो सकती थी। अंदर बैठा था, टीवी देख रहा था, बाहर जोर से आवाज आई, फिर बाहर आया, देखा ये टूटा हुआ पड़ा था। लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे कैसे ट्रैक्टर घुस गया? प्रशासन को पता होना चाहिए कि किस प्रकार इसको अलाउ क्यों, क्या क्यों अंदर आ रहा है, किसकी परमिशन जा रहा है, तो कितना नुकसान कितना हुआ। नुकसान सारे 4-5 मकान, मीटर मेरे मकान का टूट गया, गिरा हुआ पड़ा है, सारे टूट गए, 4-5 मकान टूट गया, पुल गिर गया, तारे भी सारी नीचे आ गई, सारी सारी नीचे पड़ी है, सर्विस लाइन नीचे पड़ी है। कौन सा इलाका ये है जी? इलाका कौन सा? इंदिरा कॉलोनी। ऐसे में अगर ये ट्रैक्टर, चलो लॉकडाउन था, लोग बाहर नहीं थे, अगर लोग बाहर होते और करंट सप्लाई हो जाता तो बहुत बड़ा हादसा होता। लोगों द्वारा मामले की जानकारी पुलिस और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को दी गई, जिस पर विद्युत विभाग द्वारा हाथों हाथ बिजली की सप्लाई को काटा गया और मरम्मत दस्ते को घटनास्थल रवाना किया गया। घटना पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के आदेशों के बावजूद तमाशाबीनों की भीड़ जुट गई। विद्युत विभाग की टीम ने खंभे के तारों से काट कर सड़क को खाली करवाया।